हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपनी गाड़ी की सर्विस किस तरह से करवाते हैं। तो जी, हमने अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है और हम वहाँ पे जाएंगे और नज़दीक ही मॉल है, हम वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड करेंगे। देखते हैं वो हमें कितने आवर्स की वेटिंग का बताते हैं। मॉल में जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे। बाकी आहिल पर डिपेंड करता है कि आहिल हमें कितनी देर तक वहाँ मॉल में रहने देता है, और जब आहिल हमें तंग करेगा तो हमें फिर घर वापस आना पड़ेगा। और आई गेस हम बस से वापस आएंगे क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मॉल के बाहर बस स्टॉप है और बस बिल्कुल हमारे घर के सामने हमें ड्रॉप करती है। तो हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट वे जो होगा वो बस का ट्रैवल होगा। तो ये हमारा बस का पहला सफ़र होगा और आई एम एक्साइटेड कि हम बस में आहिल के साथ आएंगे। और आई होप आप आज की वीडियो एंजॉय करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आहिल रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हूँ, आहिल का बैग भी रेडी है, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस जी रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। चलिए आइए। But as CNN's Jim Acosta reports, words for him have called the approach a public relations stunt. Operate because they think the impeachment trial's unconstitutional. Well, they're throwing cold water on the idea. They're calling it a publicity stunt. And as you were just saying a few moments ago, Jake, Trump spokesman is saying no, the former president will not be testifying at this impeachment. जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों का ट्रीटमेंट चल रहा है और सारे स्पॉट बिज़ी हैं। तो हमारी गाड़ी का भी थोड़ी देर में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इसके जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो ये सारे यहाँ पे ठीक कर दिए जाएंगे। इसका ऑयल चेंज होगा और जो भी सर्विस वगैरह होनी है तो उसका सारा इलाज कम्प्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर हम 3 to 4 hours में अपनी गाड़ी वापस ले सकते हैं। 3 to 4 hours की वेटिंग है और उसके लिए हम जा रहे हैं अब यहाँ से मॉल और वहाँ जाके हम ये टाइम गुजारेंगे। तो चलिए जी मॉल चलते हैं यहाँ से।
मॉल में हम लोग आकर आ गए हैं जी, ये जेबी हाईफाई पे आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ टीवी स्क्रीन्स हैं, कुछ नए मॉडल्स आए हुए हैं, उनकी प्राइसेस देख रहे हैं। वैसे तो हमारा टीवी न्यू है, हमने लास्ट ईयर ही बाय किया था, लेकिन हम जब भी आते हैं तो ऐसी बस देखते हैं कि क्या नई चीज़ आई है, कौन से न्यू मॉडल्स आए हैं और उनके क्या फ़ीचर्स हैं। हम इस वक्त टीवी स्क्रीन्स के सेक्शन में हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं नए नए स्क्रीन्स, नए नए मॉडल्स आए हुए हैं और काफ़ी डील्स भी लगी होती हैं। यहाँ पर जब भी आते हैं हम तो देखते हैं कोई ना कोई डील्स वगैरह लाजमी लगी होती हैं। तो हम कुछ ये मैकबुक वगैरह की प्राइसेस देख रहे हैं, मैकबुक एयर है और इनकी कुछ प्राइसेस हैं और इनके कुछ मॉडल्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लैपटॉप और मैकबुक वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इनकी प्राइसेस देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैंने कोशिश की है कि आपको ये नज़र आए इनकी प्राइसेस वगैरह, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं कि वहाँ पर क्या प्राइसेस चल रही हैं और यहाँ पर इनकी क्या प्राइसेस हैं। इसके बाद ये सबसे काम की चीज़, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ, ये है क्रोमकास्ट। और क्रोमकास्ट का फ़ायदा ये है कि अगर आपका टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप क्रोमकास्ट लें और इसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करें और फिर उसके ऊपर आप यूट्यूब चलाएं और आपने नेटफ्लिक्स और जो भी चीज़ें उसके ऊपर आपने देखनी है अपने टीवी पर, तो आप क्रोमकास्ट के थ्रू अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना के वो सब चीज़ें देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप अपना टीवी नहीं चेंज कर सकते तो क्रोमकास्ट ले लें और अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना लें। और मैंने ये यूज़ किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपको लगता ही नहीं है कि आप एक नॉर्मल टीवी यूज़ कर रहे हैं, आपका टीवी स्मार्ट टीवी बन जाता है। और इसकी प्राइस भी $60 है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, $60 इज़ अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। ये इस तरफ कुछ किचन के आइटम्स हैं, कुछ जूसर, ब्लेंडर और ग्राइंडर्स हैं, तो इनकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बस इनकी प्राइसेस देख रही हूँ क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो मैं प्राइसेस ज़रूर चेक करती हूँ और अच्छा टाइम भी पास हो जाता है नई नई चीज़ें देख के, और पता चल जाता है किस चीज़ के नए मॉडल्स आए हैं। और वैक्यूम क्लीनर्स भी हैं, काफ़ी डिफरेंट और नए मॉडल्स आए हुए हैं इनमें भी, तो मे बी इन फ्यूचर हम अपना एक वैक्यूम क्लीनर ज़रूर बाय करेंगे क्योंकि हमारा वैक्यूम क्लीनर काफ़ी पुराना हो गया है। और यहाँ पर माइक्रोवेव्स हैं और टोस्टर, कैटल्स वगैरह हैं सारे, काफ़ी चीज़ों पे डील आई हुई है, काफ़ी चीज़ों की को लो प्राइस पे भी लगाया हुआ है, अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस हैं अच्छी ब्रांड्स की। Bikey, bikey, it's bikey.
यार बस यही करना होता है। हम फिर वहाँ से केमार्ट आ गए हैं और यहाँ पर हम आहिल के लिए ट्रैक देख रहे हैं, लेकिन आहिल लगता है अभी बहुत छोटा है तो अभी उसने ई शुरू कर दिया है। उसको अच्छा भी लग रहा है इस पर बैठना, लेकिन साथ साथ वो शायद डर भी रहा है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, तो इसलिए हम अभी ये बाय नहीं करेंगे, उसको अभी हम ट्राई कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम भी हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कुछ लाइट सा खा लेते हैं, बिकॉज़ हमने नाश्ता करके हम घर से निकले थे। तो यहाँ पे गुजमान है और यहाँ के टाकोस बहुत ही यमी होते हैं, तो हम यहाँ से टाको लेके खाएंगे। और यहाँ पर राइट साइड पे ये सिनेमा है, और सिनेमा में कोई अच्छी मूवी नहीं थी, वरना हम मूवी देखने चले जाते। तो यहाँ से अब हम टाको खा के निकलेंगे, और आहिल को दोबारा नींद आ गई है, आहिल दोबारा सो गया है। जी अब हम आ गए हैं अपना कार्ड टॉपअप करने के लिए। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे कार्ड में इस वक्त कितना क्रेडिट है। तो यहाँ पर ओपल का कार्ड यूज़ होता है, बस में भी वो यूज़ होता है और ट्रेन में भी यूज़ होता है, और मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने अपना कार्ड का टॉपअप चेक करना था, और साथ ही आहिल को थोड़ी भूख भी लग गई है और आहिल थोड़ा इरिटेट हो रहा है सो के उठ के। और यहाँ से अपने कार्ड को टच करके चेक करते हैं कि इसमें कितना क्रेडिट है, और यहीं से टॉपअप भी किया जा सकता है। तो मैंने चेक किया तो मेरे कार्ड में इस वक्त $9 पड़े हुए, इट्स मोर देन इनफ। तो ये एक ट्रिप के लिए बहुत हैं। यहाँ से मैप देख के हम देख रहे हैं कि हमने कौन से स्टैंड से बस लेनी है, और हमारे एरिया में जो बस जा रही है वो कौन से नंबर वाले स्टैंड से जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं सारी यहाँ पर बसेस जा रही हैं, और बहुत बड़ा स्टेशन है ये पैरामेटा का। तो ये अब हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड की तरफ, जो कि नंबर 4 है, और हम वहाँ पे जाके अपनी बस का वेट करेंगे। जी बस हमारी बस भी आने वाली है, और हमने उसकी एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड कर ली थी, जिससे हमें टाइमिंग और बस नंबर वगैरह सब कुछ पता चल रहा है। आज गर्मी भी काफ़ी है, और आहिल का मनोरंजन चल रहा है। आहिल को मैं फ़ोन पे उसके कार्टून्स वगैरह दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से वो टिक के अपनी कार सीट में लेटा हुआ है। अदरवाइज़ तो वो कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो और मैं यहाँ पे भागना शुरू कर दूँ। तो आहिल को मैंने बिज़ी किया हुआ है, और साथ साथ हम बसेस को भी देख रहे हैं कि हमारी बस आके गुजर ना जाए। तो जी ये हम बस में आ भी गए, और मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत तेज़ी से हमें बस में आना पड़ा। बहुत ही छोटा सा ट्रिप था, हम 10 मिनट्स में घर पहुंच गए बस में, और बहुत ही घर के नज़दीक हमारे बस स्टॉप है, वहाँ पे बस ने हमें ड्रॉप किया, और हम यहाँ से वॉक करके हम घर तक चले जाएंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में। और आहिल को बहुत धूप लग रही है, इसलिए मैंने आहिल को कवर किया हुआ है शीट के साथ। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।